आज का जो क्वेश्चन है वो है अमाइन स्टेप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री के एनसीईआरटी 30.1 इन टेक्स्ट से। ठीक है, सवाल बहुत ही इजी है। कह रहा है यहाँ पर कि हमारे पास जो चार कंपाउंड्स है उनमें चारों के चारों अमाइंस है। आपको बोल रहा है यहाँ पर कि अमाइन का क्लासिफिकेशन करो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी के टर्म में। तो बेसिकली आप जानते हो कि जब एन के साथ तीनों, यानी कि अगर तीनों हाइड्रोजन रहे तो ये हमारा है अमोनिया। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे आर ग्रुप से, यानी रेडिकल से, कोई भी रेडिकल हो सकता है, बेंजीन रहे, कोई भी कार्बन चेन यहाँ पर हो सकता है, तो ये NH2 बन जाएगा और इससे आर जुड़ा हुआ रहेगा। जब भी NH2 रहे तो ये प्राइमरी एमीन कहलाता है। इससे एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दिया जाए और एक रेडिकल जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर दो रेडिकल हो गए, दो कोई भी रेडिकल हो सकते हैं, ये हो गए हमारे पास सेकेंडरी एमीन। और एक हाइड्रोजन और है, इससे अगर ये भी हम लोग ये हाइड्रोजन माइनस कर दे, एक रेडिकल जोड़ दे, तो यहाँ पर हो जाएगा R3N, ये टर्शियरी एमीन कहलाता है। जस्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ NH2 ग्रुप है, पीछे रेडिकल कोई सा भी, उसे कोई मतलब नहीं, यहाँ NH2 है, N से तो एक ही रेडिकल जुड़ा हुआ है ना, दो तो हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी एमीन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। यहाँ पर N से देखा जाए तो यहाँ पर N से एक भी H नहीं है, N से यहाँ पर दो CH3 जुड़े हुए हैं। CH3 होल टू का मतलब हो गया यहाँ पर दो CH3, मतलब N के तीनों बॉन्ड से तीन रेडिकल ही जुड़े हुए हैं, कार्बन चेन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए टर्शरी एमीन कहलाएगा, ये वाला पोर्शन है। यहाँ एन से देखिए तो यहाँ पर C2H5O2 है, फिर CH आ गया है, और ये CH से NH2, यानी एन के पास दो हाइड्रोजन है, तो एक ही रेडिकल यहाँ पर ये पूरा पूरा जुड़ा हुआ है ना, दो दो हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी एमीन होगा। वही यहाँ पर एन के पास एक हाइड्रोजन है, दो रेडिकल यहाँ पर है, तो एक हाइड्रोजन है, दो रेडिकल है, कैसा एमीन हो जाएगा? ये सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप कोई दिक्कत आप लोग को हुआ भी नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं एनसीईआरटी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।